हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी इंडियन किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ज्यादा ही पॉपुलर और ट्रेडिशनल रेसिपी, जिसका नाम है मावा गुजिया। वैसे तो स्पेशली गुजिया को हम होली में बनाते हैं। फ्रेंड्स, फेस्टिव सीजन तो चल ही रहा है और मिठाइयाँ तो हर घर में बनती हैं, तो क्यों ना हम मिठाइयों में गुजिया को भी शामिल करें। इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मावा गुजिया विद टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस मजेदार रेसिपी को बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो मैदा। इसमें हम डालेंगे मोयन के लिए घी, बट घी को एक साथ नहीं डालेंगे। यहाँ पर मैं घी को दो दो चम्मच करके डालूंगी। इससे क्या होगा कि गुजिया हमारी बहुत ज्यादा खस्ता बनेगी। जैसे समोसे के ऊपर की लेयर होती है वैसे ही सेम, बहुत ज्यादा परतों वाली और खस्ता। घी को मैदे में मिलाने के बाद हम फिर से इसमें दो चम्मच घी डालेंगे। फिर घी को अच्छे से मैदे में मिलाएंगे। मैदे में घी को हथेलियों की हेल्प से अच्छे से मिक्स करें। घी डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसलें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैदे में अच्छी सी मुट्ठी बनने लगी है, मतलब घी और मैदा बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट है। बट मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, इसलिए मैं 2 चम्मच घी और ऐड कर दूंगी। फिर से इसे 2 से 3 मिनट तक मसलते हुए अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जितनी अच्छी तरीके से हम इसे मसलेंगे उतनी ही अच्छी हमारी क्रिस्पी सी और खस्ता गुजिया बनेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैदे से अच्छी सी साइन आने लगी है, इसका मतलब मैदे में घी की क्वांटिटी परफेक्ट है। फिर इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। गुजिया के डो को ना ज्यादा बहुत सॉफ्ट रखना है और ना ज्यादा टाइट, जैसे हम पूड़ियों के लिए आटा गूंथते हैं सेम वैसे ही से गूंथना है। फिर हम मैदे को आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम गुजिया की स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले पैन में 1 चम्मच घी को गर्म करके ड्राई फ्रूट्स को 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट में ये अच्छी तरीके से भुन गए हैं। फिर इसे किसी बड़े बाउल में निकाल लेंगे। इसी बाउल में हम सारी चीज़ों को एक साथ मिलाएंगे। फिर उसी सेम पैन में 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। कोकोनट को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको भी बाउल में निकाल लेंगे। फिर से उसी पैन में मावा को भी हम भूनेंगे। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मावा लिया है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, मावा को लो फ्लेम में भूनिएगा, क्योंकि मावा बहुत जल्दी नीचे से लगने लगता है। मावा अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए, तब तक इसे हम भूनेंगे। लगभग मैंने 6 से 7 मिनट के लिए इसे भूना है। पर आप सोच रहे होंगे कि कलर तो अभी चेंज हुआ नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर कलर के लिए थोड़ा सा गुड़ ऐड करूँगी। गुड़ से गुजिया का टेस्ट तो बढ़ेगा ही, प्लस डाइजेस्ट होने में भी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि बड़े और बूढ़े लोगों को गुजिया को डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, और गुड़ को डालने से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गुड़ को भी हम मावे में अच्छी तरीके से मिला देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसमें कलर आया है। फिर मावा को भी हम बाउल में निकाल लेंगे। मावे को ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छी तरीके से मिलाएंगे। इस स्टेज में आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच सूजी को भी ऐड कर सकते हैं। सूजी को आप चाहे ड्राई रोस्ट करके डाल दीजिए या घी में भून के डाल दीजिए, जैसे हम हलवा बनाते हैं सेम वैसे ही। फिर मैं यहाँ पर मीठे के लिए ऐड करूँगी 1 कटोरी पाउडर शुगर। वजन में लगभग ये 150 ग्राम है। आप मीठे को भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट गुजिया थोड़ी सी कम मीठी ही अच्छी लगती हैं। फिर हम चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद मैं 10 से 11 इलायचियों को कूट के डाल दूंगी। इलायची पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, पर इलायची से गुजिया में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर स्टफिंग बनके तैयार है। चलिए हम अपने मैदे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैदा आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से सेट हो गई है। मैदे को 1 से 2 मिनट के लिए फिर से मैं इसे गूंथूंगी, ताकि मैदे के अंदर जो भी एयर बनी हो सारी निकल जाए। फिर हम मैदे से छोटी छोटी सी लोइयां बना लेंगे। फिर एक लोई को हम जैसे पूड़ियां बनाते हैं सेम उसी तरीके से बेल लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सूखा मैदा लगा सकते हैं, तब बेलिए इसको। वैसे तो ये बड़ी आसानी से मोयन की वजह से अच्छी तरीके से बेल जाती है, या इसे ऐसे ही बेल लीजिए। पूड़ी को हम ज़्यादा मोटा या पतला नहीं बेलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना इसे ज़्यादा मोटा बेला है, ना ज़्यादा इसे पतला बेला है। फिर हम एक गुजिया मोड में एक पूड़ी को रखेंगे।
और इसे थोड़ा सा इसको उंगलियों से अपने प्रेस कर देंगे जहाँ पर हम स्टफिंग को रखते हैं। फिर इसमें हम एक चम्मच स्टफिंग को रखेंगे। फिर इसकी चारों तरफ राउंड शेप में थोड़ा सा पानी लगा देंगे। ऐसा करने से गुजिया फ्राई करते समय ये खुलेगी नहीं, वरना एक गुजिया भी यदि खुल गई फिर वो सारी गुजियों में फ्राई करते समय चिपकती है, जिससे गुजिया देखने में अच्छी बिल्कुल नहीं लगती। फिर हम मोल्ड को थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि गुजिया अच्छी तरीके से ज्वाइंट हो जाए। फिर हम गुजिया को निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक गुजिया बिना मोल्ड के बनाना बता रही हूँ। सबसे पहले हम सेम तरीके से एक पूड़ी को बेल लेंगे। फिर उसमें एक चम्मच स्टफिंग को रखेंगे और उसके चारों तरफ राउंड शेप में थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे और एक साइड को दूसरे साइड में पलटते हुए उंगलियों से थोड़ा सा प्रेस करते हुए दोनों साइडों को एक दूसरे से चिपका देंगे। फिर किसी फोक की हेल्प से इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। ऐसा करने से गुजिया देखने में तो अच्छी लगती है, बट गुजिया एक दूसरे से अच्छी तरीके से ज्वाइंट भी हो जाती है। पर सांचे से गुजिया बनाना ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि गुजिया बनाने में तो बहुत टाइम लगता है। तो आप अपने टाइम और चॉइस के अकॉर्डिंग गुजिया को सांचे से बनाएं या बिना सांचे के बनाएं। एक बार में आप 20 से 25 गुजिया बना सकते हैं, इससे ज्यादा ना बनाएं, वरना वो ड्राई होने लगती हैं, जो कि फ्राई करते समय थोड़ा सा क्रैक हो जाती हैं। इसलिए 20 से 25 गुजिया को बनाने के बाद तुरंत उनको फ्राई कर लें। चलिए गुजिया को फ्राई कर लेते हैं। गुजिया को फ्राई करने के लिए घी का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आप ध्यान रखें गुजिया को फ्राई करते समय घी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। घी को चेक करने के लिए इसमें छोटी सी मैदे की गोली बना के डाल देंगे। यदि गोली हमारी धीरे से तैर के ऊपर आ जाती है तो इसका मतलब हमारा घी बिल्कुल परफेक्ट है। फिर हम सारी गुजियों को आराम से इसमें डाल देंगे एक एक करके। अब गुजियों को हल्के हल्के हाथों से कलछी से धीरे धीरे से अलटते पलटते हुए इसे हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं सारी गुजियों को लो फ्लेम में ही फ्राई करूंगी। 5 से 6 मिनट बाद गुजियों में अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। हाई फ्लेम में गुजिया को डालने से गुजिया के ऊपर तुरंत छोटे छोटे से बबल्स पड़ जाते जो देखने में नहीं अच्छे लगते। आपने काफ़ी बार देखा होगा गुजिया के ऊपर छोटे छोटे से जो गोले टाइप के बबल्स होते हैं वो पड़ जाते हैं। आप चाहें तो 1 से 2 मिनट गुजिया को और फ्राई कर सकते हैं, पर गुजिया का परफेक्ट कलर यही होता है, डार्क गोल्डन। फिर हम गुजिया को निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारी गुजिया बना के फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजिया कितनी अच्छी तरीके से फूली है और एक भी गुजिया टूटी नहीं है। हमारा जो घी है वो पूरी तरीके से साफ है। चलिए गुजिया को सर्व कर लेते हैं। यदि आपको मेरी गुजिया की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।